देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थ आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए 1 जनवरी से 31 मार्च तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान दूध, मावा, पनीर, आटा, बेसन, खाद्य तेल एवं घी, सूखे मेवे, मसालों और बाट और माप आदि की जांच की जाएगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने अपने कक्ष में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और अभियान संबंधी दिशा निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बैठक में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बलवंत मंडा से अभियान के दौरान क्या कहा, चलिए सुनते हैं। आपको विदित है कि 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि खाद्य पदार्थों के अंदर किसी भी प्रकार के एडल्ट्रेशन को लेके राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद बहुत गंभीर हैं। इसका कारण है कि हम लोग अगर अपने खाद्य पदार्थों में ही मिलावट करेंगे तो सीधे सीधे उसका जो प्रभाव है, जो दुष्प्रभाव है, वो हमारी सेहत पे पड़ता है। इसको लेके राजस्थान सरकार बहुत गंभीर है और ये अभियान आगामी 3 महीनों के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने खाद्य पदार्थ विक्रय केंद्र को चिन्हित करने को कहा जहां मिलावट की संभावना हो। उन्होंने चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए, उनके विरुद्ध नियमानुसार जांच सैंपलिंग कर मिलावट पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही कहा कि अभियान में कार्रवाई करने पर ढिलाई और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं कलेक्टर ने नागरिकों से भी मिलावट खोरों की सूचना देने की अपील की। उन्होंने बताया कि मिलावट की सूचना मिलने पर कार्रवाई के बाद सूचना सही पाए जाने पर सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखते हुए उसे 51,000 का इनाम भी दिया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा अलग से प्रावधान होगा। जांच दलों द्वारा संस्थाओं के निरीक्षण कर नमूने लिए जाएंगे और मौके पर कठोर कार्यवाही करते हुए निकटतम फूड टेस्टिंग लैब में नमूनों की जांच कर विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और नियम 2011 के प्रावधानों के तहत मिलावटी माल को मौके पर ही नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।